2024 राइजिंग भारतर चतुर्थ संस्करणीय राइजिंग भारत सम्मेलन 2024 भाग লৈছে केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरीये पुनपटिया। Ladies and gentlemen, it's my privilege to welcome Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways, Government of India, to talk about the road to 370. Well, it is the election year and he is in conversation with News 18's Amish Devgan. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Thank you. और अब उस सेशन की शुरुआत जिसका हमें काफी देर से इंतजार था। नितिन गडकरी मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। नितिन जी, आपका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन गडकरी का। नितिन जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था वो व्यक्ति तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, और अटल जी के बाद अगर किसी के लिए कहा जाता है तो वो नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है। ऐसा क्यों है? ये तो बिल्कुल गलत है, पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई, और जो भी मैं आज कुछ जो भी कुछ हूं, जो मेरे में अच्छा ही है, ये दोनों संगठन के कारण ही है, वो सब अच्छा ही है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माय कन्विक्शंस, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी पार्टी अच्छी है, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, इसी यही बात मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीति में गलती से आ गए? आप कहते हो मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी में खर्च नहीं करूंगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे गडकरी जी? नहीं, आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आओगे तो मैंने ये बात कही कि मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे मतदार हैं उनको मैं अपनी फैमिली समझता हूं, परिवार समझता हूं, और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है, और इसलिए मैंने कहा कि अब ये पोस्टर बैनर और इसका प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको वोट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लूंगा जी, और हाउस टू हाउस और मैन टू मैन कैंपेन करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार 3 हैट्रिक लगनी है, एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक, एक नरेंद्र मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी, दूसरी बार भी पहली बार आई थी, और तीसरा नागपुर से आप दोबारा जीत कर आएंगे, तीसरी बार जीत कर आएंगे, तो कितनी कठिन ये डगर लगती है मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना। देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, यह तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले, ये भी तय है जी, और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूं, ये भी निश्चित है, ये भी। एसल पुनपटिया सम्प्रचार परवर्ती समय।